राजपाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता। राजपाल जी, ये सवाल कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जवाब आप लोग ढूंढ पाए हैं क्या? कार्रवाई कब होगी, एक्शन कब होगा? क्योंकि सप्त ऋषि की मूर्तियां ही नहीं गिरी हैं, जो शिव जी की मूर्ति है उसका रंग भी बदला है, वो भी इतने कम वक्त में। देखिए, यहां पर दो बातें समझने की आवश्यकता है। 155 मूर्तियां वहां पूरे महाकाल लोक में लगाने का काम हुआ और उसके अंदर से ये 6 मूर्तियां, जो कि इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये पाते हैं कि एक लगभग 10 हेक्टेयर के लगभग का तालाब है जिसे रुद्र सागर कहा जाता है, उसके किनारे पे एक ऊंचाई का स्थान है, वहां पर ये एक सप्तऋषियों का स्थान बनाया गया था। जब हवा का दबाव आया, प्राकृतिक जो बवंडर वहां आया, तो वो पूरे तालाब में से होते हुए, चूंकि बहुत तेज उसने गति वहां पकड़ ली थी, इस वजह से ये होने का काम हुआ है। परंतु उसके बाद भी सरकार ने पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से इस विषय को लेकर कल हमारे उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी पूरे अधिकारियों के साथ में वहां पर गए थे। उन्होंने कांग्रेस रिपोर्ट बनाने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ठेका देने में भ्रष्टाचार हुआ है। मध्य प्रदेश के जो विधायक थे महेश परमार, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि 136 मूर्तियां लगाई, एक जिसकी कीमत 11 लाख है और पूरे 15 करोड़ में बनाया, लेकिन खोखली निकली मूर्तियां, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये कहा इसके है। अंदर बहुत साफ है, महेश परमार लगा रहे आरोप, उनका काम है आरोप लगाने का। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अभी चल रहा है मूर्तियों का, और उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की, संधारण भी अभी वही कर रहे हैं, ठेकेदार के लोग ही वहां पर इन मूर्तियों का संधारण करने का काम कर रहे हैं। उनका बाकायदा 5 साल का जो है डिफेक्ट लायबिलिटी का पीरियड है, उस पीरियड में उनको व्यवस्थाओं को देखना है, मूर्तियों को देखना है, एक बात। दूसरी बात, तो शुरू दिन से ही कांग्रेस की अगर मंशा देखें मध्य प्रदेश में, तो डे फर्स्ट से ही महाकाल लोक का जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था तब से लेकर उसके पहले से बन रहा था तब से, और लगातार कांग्रेस के निशाने पे महाकाल लोक है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी। ठीक है, आप कह रहे हैं उनके निशाने पर ही महाकाल लोक है। डॉक्टर रवि सक्सेना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजपाल जी, डॉक्टर रवि सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर उपमन्यु जी महाराज भी मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। उपमन्यु जी महाराज, आपने ये तस्वीरें दिखी, आंधी आती है और उसके बाद सप्तऋषि की जो मूर्तियां हैं उनमें से 6 मूर्तियां गिर जाती हैं, आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर नजर आता है? बहुत निराशा हुई ये देख के। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो कह रहे थे कि 5 साल, क्या ये अस्थाई रूप से मूर्तियां लगाई गई हैं? ये सोचने की और बहुत विचार करने की बात है। ये जो भी ये हो रहा है ये स्थाई रूप से होना चाहिए, और ये मूर्तियां वगैरह स्थाई रूप से लगानी चाहिए, ना कि 5 साल की उम्र की। 5 साल से अगर एक दिन ज्यादा हो गया और टूट गई तो गारंटी नहीं ठेकेदार की, और ये अभी अभी तुरंत टूट रही है, बहुत ही ज्यादा विचारणीय है। और बहुत ही वो कि इसको जो है कैसे लोगों को दिया गया, उसकी क्राइटेरिया क्या थी कंस्ट्रक्शन की, कि उम्र केवल 5 साल थी तो 5 साल क्यों थी? ये जो भी कॉरिडोर वगैरह बनते हैं ये स्थाई रूप के बनते हैं, ना कि ये 5 साल टेम्पेरी बनते हैं। तो सबसे बड़ी सोच तो यही है कि ये टेम्पेरी रूप से बनाया जा रहा था, कि दिखावे में दिखा रहे हैं कि शायद हो सकता है वोट की राजनीति हो, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये बहुत गलत हुआ, और थोड़ा नहीं, बहुत गलत हुआ, इसका असर आगे पड़ेगा। स्वामी उपमन्यु जी, ये हजारों करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात है, बहुत ठेस पहुंचाती है तस्वीरें जो सामने हैं।